वेलकम बैक टू आवर चैनल किचन क्वींस। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डोसा बैटर बनाने का सिंपल तरीका और साथ ही में बनाएंगे क्रिस्पी डोसा और खोपरे की चटनी। सबसे पहले हम 2 कप टुकड़े चावल धो लेंगे। अब हम उसमें डाल देंगे 1 कप उड़द की दाल। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ध्यान रखें हमें पानी ज़्यादा डालना है ताकि हमारे चावल और दाल अच्छे से भीग जाए। अब हम इसे 6 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे उड़द की दाल और चावल भीग गए हैं। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम भीगे हुए दाल और चावल को मिक्सर में पीस लेंगे। ध्यान रखें एकदम बारीक पीसना है। पीसने से पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये हमने डोसे का आटा पीस लिया है। अब हम इसे रात भर सोक करने रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से खमीर आ जाए, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा पानी एक तपेली में गर्म कर लेंगे। ध्यान रखें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गुनगुना गर्म करना है। और अब हम उसे आटे में डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुनगुना पानी डालने से हमारे आटे में अच्छे से खमीर आएगा। अब हम इसे ढक देंगे और उसे पूरी रात भीगने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना फ्लफी हो गया है। अब हम चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 कप धनिया, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 3 कली लहसुन के। अब हम ये चारों इंग्रेडिएंट्स मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हम 2 चम्मच दलिया ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा खोपरा ले लेंगे, उसके छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे, 1/2 स्पून शुगर, 2 टीस्पून जीरा, 1 नींबू। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1/2 कप जितना। अब हम इसे पीस लेंगे। ध्यान रखें एकदम बारीक पीसना है। अभी हमारी चटनी पीस गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी चटनी अभी बहुत ही घट। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हमारे टेस्ट के हिसाब से हम पानी डालेंगे। अब हम चटनी का बघार बनाएंगे। बघार में सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम ज़ीरा लाइट ब्राउन होने देंगे। अभी हमारा तड़का रेडी है। अब हम इसे चटनी के बाउल में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डोसे का आटा थोड़ा गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे डोसे बराबर नहीं बन पाएंगे। पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। डोसे का नॉन स्टिक तवा ले लेंगे, उसे थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, उसे कपड़े से पोंछ देंगे। 1 चम्मच आटा ले लेंगे और उसे अच्छे से घुमा लेंगे। ध्यान रखें चम्मच घुमाने के टाइम पे हमें एक भी बार चम्मच बीच में से उठाना नहीं है, वरना हमारा डोसा खराब हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर हम अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जैसे ही हमारा डोसा पक जाएगा वो खुद ही तवे में से अलग होने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डोसे के एजेस निकल गए हैं। अब हम उसे स्लोली निकाल लेंगे। ये हमारा क्रिस्पी डोसा रेडी है।
अब हम इसे सर्व कर देंगे। द यम्मी एंड क्रिस्पी डोसा इज रेडी फॉर सर्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन आवर वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल किचन क्वींस एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।